आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मैं के सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ, मुकेश सहनी को जो मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, उससे भी बड़ी खबर आप लोगों को देखने को मिल रही। फिलहाल उनको भाजपा ने एक और झटका दिया है, विधान परिषद के पद से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी का मंत्री पद छीन करके सहनी को सर्वदलीय बैठक विधान परिषद से भी बाहर बर्खास्त कर दिया गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रारंभ से ही जातीय जनगणना को लेकर के संघर्ष कर रही है और बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी, जैसे झारखंड हुआ या उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी जो है अपनी पार्टी का विस्तार करने के साथ साथ पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना को लेकर के भी जो है मुकेश सहनी निरंतर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज और हम बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भाजपा ने एक बड़ा झटका दिया था, उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था और उनके विधायकों का भाजपा में विलय होने के बाद उनकी पार्टी को भी बड़े पैमाने पर तोड़ दिया गया था। अभी जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बुधवार को बुलाई गई बैठक में माननीय मंत्री मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया। पहले मंत्री पद छीना गया, फिर एक झटका मिला और इस बैठक में भी उनको नहीं बुलाया गया, जबकि मंत्री मुकेश सहनी जी बिहार में निरंतर जातीय जनगणना को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए कहा था कि वीआईपी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के काफ़ी गंभीर है और अगर जातीय जनगणना की जाती है तो हमारी पार्टी 5 करोड़ रुपये का सहयोग भी करने का काम करेगी। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन राज्य में सर्वदलीय बैठक में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया। सहनी ने कहा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में उनकी पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करती रही है और उनके साथ खड़ी रही है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक पत्र लिखा है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में अलग अलग सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल का आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए विगत चुनाव में जिन राजनीतिक दल को जन समर्थन प्राप्त हुआ, भले कोई विधायक ना हो लेकिन उनकी राय में विचार इस बैठक में लेना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि वे खुद विधान परिषद के सदस्य भी हैं, हालांकि अभी बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी को विधान परिषद के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व मंत्री ने माना कि विकासशील इंसान पार्टी के वर्तमान बिहार सभा में 4 सदस्य थे, पर अब कोई सदस्य नहीं है, लेकिन बिहार विधान परिषद में वे खुद एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको विधान परिषद के पद से भी बर्खास्त किया गया है। साथियों, देखिए किस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र के तहत उनके विधायकों को तोड़ करके उनकी पार्टी को तोड़ा, फिर उनके मंत्री पद के जो उनके पास मंत्री पद था बिहार सरकार में उसको बर्खास्त किया गया और अन्य तमाम जो चीज़ें बिहार में हो रही हैं, इससे लगता है कि बिहार की सियासत की जो लहरें हैं वो बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में बिहार की जनता को इसका भुगतान करना पड़ेगा। और देखते हैं कि आने वाले समय में बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीआईपी न्यूज़ टुडे के साथ, मैं सिद्धार्थ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और यार ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे आप लोगों से, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।